देखो ध्यान दो बच्चों, हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है? Mod a less than 1 show that integral 0 to pi ln of 1 plus a cos x whole divided by cos x dx equal to pi sin inverse a, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पर करना है, ध्यान दो बच्चों इसमें क्या करना होगा। देखो अब देखो, जैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी ये किया था, इसमें क्या है, जनरलाइज्ड लेबनीज रूल लगाना पड़ता है। मतलब लेबनीज रूल का जनरल फार्मूला जिसमें हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे। देखो क्या है, जैसे हम इस फंक्शन को अगर देखें तो देखो ये रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इंटीग्रेशन, और लिमिट भी ये एक्स की है, तो मतलब इस पूरे का जो आंसर आएगा वो ए के टर्म में आएगा, क्योंकि ये हमें इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसका इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और लिमिट भी देखो ये एक्स के लिए ही है, तो ये पूरा का पूरा आंसर ए के टर्म में आएगा। तो हम देखो करते क्या है, यहाँ पर इसको ए का फंक्शन मानते हैं, तो मतलब हम इसको आई ऑफ ए मान लिया। आई ऑफ ए का मतलब देखो ये हमारा ए का एक फंक्शन है, एल एन ऑफ वन प्लस ए कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है? फिर देखो मैंने बताया था कि जब इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल का फंक्शन होता है ना, जैसे क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि भाई अगर जैसे यहाँ पर ए है और एक्स है, अब ए ऐसा नहीं है कि इसको हम बाहर निकाल पाए, अगर दूसरा वेरिएबल ऐसा हो कि उसको हम बाहर निकाल लें तब तो कोई समस्या ही नहीं होती, है ना? अगर फंक्शन दो वेरिएबल का है लेकिन हम एक वेरिएबल को अगर बाहर निकाल लें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अंदर एक ही वेरिएबल रह जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो हम ए को बाहर निकाल नहीं सकते, है ना? देखो ए और कॉस दोनों ही अंदर चलेगा, इसलिए हमने इस पूरे को ए का फंक्शन मान लिया। अब ए का फंक्शन मानने के बाद में क्या करते हैं, देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो रिस्पेक्ट टू ए करेंगे, जब हम इसको रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करेंगे ध्यान दो तो क्या होगा, देखो ये है ना, अब हम इसको जब रिस्पेक्ट टू ए करेंगे डिफरेंशिएट तो इसमें हमें जनरलाइज्ड लेबनीज रूल को यूज करना होगा, है ना? लेबनीज रूल का जनरल वाला फार्मूला हमें यहाँ पर देखो लगाना पड़ेगा। तो देखो लेबनीज रूल का जनरल फॉर्म होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के अंदर जाते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर जाने के बाद हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं ए के रिस्पेक्ट में, जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्स के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पर देखो ये ए का फंक्शन है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे और ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दो, ठीक है? अब देखो जब हम इसको ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स को कॉन्स्टेंट मानेंगे, तो देखो क्या हुआ, ये 1 अपॉन cos x हो गया कांस्टेंट, अब log ऑफ दिस को करना है डिफरेंशिएट, तो log ऑफ दिस का क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस a cos x, है ना? अब इस पूरे को फिर से करेंगे तो 1 का हो गया 0, ठीक है, cos का cos ही रहेगा और a का 1 हो जाएगा क्योंकि हम a को वेरिएबल मान रहे हैं और cos x हमारा कांस्टेंट होगा। तो जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में तो देखो क्या होगा, ये 1 बाई कॉस एक्स बाहर आ गया और ln ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बोलो 1 बाई एक्स, जिसको x माना उसको हमने फिर से किया तो 1 का हो गया 0, और देखो यहाँ पर कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है और a का 1 हो गया, ध्यान दो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि अब इसके बाद क्या होता है प्लस, है ना? अगला स्टेप क्या होता है, देखो x की जगह पर अपर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन देखो वो भी 0 हो जाएगा, है ना? पहले हम अंदर पहुंच जाते हैं, अंदर पहुंचने के बाद हम a के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो x की जगह पर अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि अपर लिमिट कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0, और माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन भी देखो यहाँ पर 0। अब देखो क्या हुआ, हमें यहाँ पर ये दिखा dI/dA इक्वल टू
जीरो टू पाई, देखो यहाँ पर ये cos x अपॉन cos x ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा वन अपॉन वन प्लस a cos x और dx, ऐसे देखो यहाँ पर बच जाएगा, cos से cos कैंसिल होगा, वन अपॉन वन प्लस a cos x और dx, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान दो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन देखो हमें x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो देखो जब हमें इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो ये यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस cos x इस टाइप का फंक्शन बना, है ना। अब देखो मैंने बताया था इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका ये होता है, या तो इसको हाफ एंगल में ब्रेक करो या इसमें cos का लगा दो फार्मूला। देखो ऐसे हमको ये बात मालूम है, सॉरी tan का लगा दो फार्मूला, इसको हाफ एंगल में ब्रेक करो, 2 cos square x by 2 minus 1 लिखो, उसके बाद sec square से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तब भी हो जाएगा। या देखो डायरेक्ट तरीका इसका ये होता है, cos x की जगह हम लगा दें बोलो 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, इसको भी देखो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, है ना। ये अपना cos का एक फार्मूला होता है, है ना, जैसे cos 2x का होता है, वैसे ही cos x का हमने हाफ एंगल में फार्मूला देखो यहाँ बना लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, डी आई बाई डी ए बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस ए cos x, cos की जगह देखो ये लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 और डी एक्स, देखो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, है ना। cos की जगह देखो यहाँ पर हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए बराबर 0 टू पाई, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर x ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x बन जाए, पहले तो LCM ले लो, तो 1 अपॉन देखो ये LCM आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 और देखो प्लस a ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 और देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 LCM ले लिया और ये ऊपर जाएगा, तो इसको हम अभी तो ऐसे लिखें 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 और dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरा अगर हम ध्यान दें इसको, तो डी आई बाई डी ए हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई और 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 इसको हम sec स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, और देखो ध्यान दो ये भी हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, है ना, और यहाँ पर देखो ये a ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 dx, है ना। चाहे तो इसको भी 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 लिखा जाने दो, क्योंकि क्या होगा अभी हम tan x को t मानेंगे, है ना, चाहे तो इसको भी 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 लिखा रहने दो और प्लस a ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 जिसको देखो हमने यहाँ पर sec स्क्वायर x बाई 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि नीचे है tan x ऊपर है sec स्क्वायर, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि tan x को t मानेंगे, tan x by 2 को हम t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो देखो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 dx बराबर dt, तो देखो यहां से ये हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx बराबर 2 dt, तो इसीलिए नीचे हमने देखो tan देने दिया, देखो हम tan x by 2 को t लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो देखो यहां पर है ना, हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं जनरलाइज लेमनीज रूल की हेल्प से। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, और मैंने बताया था हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन किताबों में दिए गए हैं, तो इसलिए मैं आपको करा देता हूँ एक दो और भी क्वेश्चन, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, जिससे हमें ये ना लगे कि देखो भाई सर ने एक क्वेश्चन नहीं कराया और एक बुक्स में दिया गया। तो मैं चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको कवर करा दूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब में बिल्कुल भी नया ना महसूस हो। अब देखो ध्यान दो क्या होगा, अब जरा समझो अच्छा इस बात को, जब हम ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको लिखो जल्दी बच्चे ध्यान से, तो हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करते समय मैंने बताया था आपको कि हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। अब देखो क्या होगा अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करें, तो देखो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा डी आई बाई डी ए बराबर, देखो क्या होगा
अगर हम x को 0 लेंगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो t की लोअर लिमिट 0 ही हो गई। अगर हम x को पाई लेंगे तो tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, देखो t की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम x को लेंगे 0 तो t हो जाएगा tan 0 की वैल्यू 0। अगर हम x को लेंगे पाई तो t हो जाएगा tan पाई बाई 2 मतलब इन्फिनिटी। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर tan x by 2 को हमने t लिया है, तो देखो sec square x by 2 dx बराबर हो गया 2dt, और अपॉन देखो यहाँ पर tan x by 2 हमारा t हो गया, देखो ये हो गया 1 plus t square, है ना, और plus a bracket में 1 minus t square, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये di by da बराबर integral 0 to infinity 2 upon, देखो ये क्या हुआ, t square अगर हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, देखो 1 माइनस ए और प्लस 1 प्लस ए, है ना, और dt, ठीक है। t square देखो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो t square कॉमन लेते ही ये 1 माइनस ए आ गया और देखो ये 1 प्लस ए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, di by da बराबर देखो ये 2 by 1 माइनस ए को फिर से बाहर निकाल दिया तो 0 to infinity ये 1 upon t square plus देखो 1 plus a upon 1 minus a और dt हो गया, है ना। ओके, देखो हमने क्या किया, 1 minus a को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान दो, mod a less than 1 दिया गया है, mod a less than 1 दिया गया, इसलिए देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको di by da बराबर 2 upon 1 minus a 0 to infinity, देखो यहाँ पर mod a less than 1 दिया गया है, इसको मिटा रहे हैं, अच्छा लिखो जरा ध्यान से पहले, देखो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस देखो अंडर रूट 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ध्यान, ठीक है, क्योंकि मॉड ए की वैल्यू 1 से कम है। अब देखो ये हो गया डी आई बाई डी ए बराबर 2 अपॉन 1 माइनस ए, देखो क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, इसका होता है tan inverse t by a, मतलब 1 plus a और under root 1 minus a और 0 to infinity, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं, है ना, बोलो क्या होता है, 1 upon x square plus a square, तो 1 upon a भी साथ में होगा into 1 upon a, 1 upon a का मतलब हो गया, ठीक है, under root of 1 plus a और अंडर रूट 1 माइनस ए, ठीक है ना, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है 1 by a tan इनवर्स x by a, ये ऐसे आ गया। अब देखो यहां पर ये क्या होगा, di by da बराबर, देखो ये क्या हुआ, ये अंडर रूट 1 माइनस a है और ये सिर्फ 1 माइनस a है, तो देखो ये टर्म इससे कटेगा, तो देखो यहां पर ये अंडर रूट 1 माइनस ए रह जाएगा, है ना, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस ए है और देखो ये सिर्फ 1 माइनस ए है, तो यहाँ पर रूट 1 माइनस ए रह जाएगा और देखो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए, ये बचा रह गया। और देखो इसमें क्या होगा, पहले हम t की जगह इन्फिनिटी लेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब हो गया पाई बाई 2 माइनस t की जगह 0 लेंगे तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू यहाँ पर देखो 0 हो गई, ध्यान दो, है ना, t की जगह पर इन्फिनिटी लेंगे तो tan plus infinity होगा, tan plus infinity को हम pi by 2 लिख सकते हैं, minus t की जगह पर 0 लेंगे तो tan plus 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब देखो ध्यान दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब देखो बचेगा क्या, यहाँ पर ये बचेगा di by da बराबर, देखो ये क्या हुआ, pi upon under root के अंदर देखो दोनों को सेम ले सकते हैं, 1 minus a 1 plus a, तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, देखो यहाँ तक हम आए, डी आई बाई डी ए की वैल्यू देखो हमें यहाँ पर मिली, है ना, लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, तो अभी क्वेश्चन देखो खत्म नहीं हुआ है,
अब हम आई की वैल्यू देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखो बच्चों बिटाना जरा ध्यान से, है देखो आई की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे है ना, देखो हमें आई की वैल्यू चाहिए है, आई की वैल्यू निकालने देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू ए करेंगे, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन जो करेंगे रिस्पेक्ट टू ए करेंगे। तो क्या होगा, इधर हो गया आई बराबर यहाँ हो गया पाई, और जब हम इसको ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे देखो ये साइन इनवर्स ए हो जाएगा, आई बराबर पाई साइन इनवर्स ए और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी लेना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो आई है ये आई ऑफ ए है, स्टार्टिंग से मैं इसको आई ऑफ ए लेके चला था। आई ऑफ ए का मतलब ये जो आई है ये देखो एक प्रकार से ए का फंक्शन है। अब देखो क्या हुआ, जैसे हमने इसको आई ऑफ ए माना था, आई ऑफ ए देखो क्या होगा, अगर हम ए को जीरो ले ले, जैसे कि मान लो हमने इसको आई ऑफ ए माना था, स्टार्टिंग से देखो मैं आई ऑफ ए लेकर के चल रहा था, ध्यान दो तो क्या हुआ, देखो आई ऑफ ए, आई ऑफ ए क्या हुआ, जीरो टू पाई एल एन ऑफ वन प्लस ए कॉस एक्स और डिवाइड बाई कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, देखो अगर मैं ए को जीरो ले लूं तो देखो आई क्या होगा, ये होगा जीरो टू पाई, देखो ए की जगह जीरो हो जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा बोलो लॉग वन आ जाएगा, और नीचे क्या है बोलो कॉस एक्स, और लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी, ध्यान दो है ना। तो अगर ए को मैं जीरो लेता हूँ तो ए को जीरो पुट करने से ऊपर लॉग वन आएगा, और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, तो आई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए को जीरो पुट करता हूँ तो ए को जीरो पुट करने से आई की वैल्यू जीरो, और यहाँ पर भी साइन व जीरो का मतलब जीरो प्लस सी, तो मैं कह सकता हूँ देखो सी की वैल्यू जीरो आ गई, और सी की वैल्यू जीरो आने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आई ए है देखो ये आ गया पाई साइन इनवर्स ए, और यही देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, यही हमें प्रूव करना है पाई साइन इनवर्स ए। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं तो इसकी हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन हमें कभी परेशान नहीं करेगा, है ना, इसमें हम जनरलाइज्ड लेमनीज़ रूल का हमेशा यूज करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको,